your sorrow will turn into joy. बहन इवांजेलिन पॉल दिनाकरन के संदेशों से लाखों लोगों ने अपने जीवन में अनुग्रह व समाधान प्राप्त किया है। आइए अब उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं। Dear friends, today we are going to meditate upon the word that is in Jeremiah 32:27. और आज हम लोग यर्मिया उसका 32 उसका 7 को हम लोग देखेंगे। Our Lord says, I am the Lord, the God of all mankind. और हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा खुदाबंद हूँ और सारे लोगों का खुदाबंद मैं हूँ। Is there anything too hard for me? वो कहता है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? Dear friends, today we have come here to ask God to give us whatever we need in life. आज हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि जो कुछ भी हमें खुदावन से चाहिए वो हमें मिले। We have come to God for God to help us in our family problems. हम यहाँ पे इसलिए आए कि हमारे पारिवारिक जिंदगी में वो हमारी सहायता करें। And different prayer requests may be made by you today. हो सकता है कि आपके पास अलग अलग किस्म के एक निवेदन हो। Man may look at our face, इंसान हमारे सूरत को देख सकता है, but God looks into our hearts. लेकिन खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगी को हमारे दिल को देखता है। He knows every one of your needs. वो आप सबकी जरूरतों को जानता है। And today Lord is asking, is there anything too hard for me? और आज खुदावन हमसे कहता है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? As you have come seeking God, जब आप परमेश्वर को ढूंढते हुए आए, you will not lack in any good thing. आपको किसी अच्छी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। Young lions may hunger. जवान शेर तो भूखे रह जाते हैं। They may be weak and hungry. हो सकता है कि वो कमजोर और भूखे हो जाएं। But then those who seek the Lord will not lack any good thing. लेकिन जो खुदावन को ढूंढते हैं उनको किसी भी अच्छी वस्तु से वो महफूज नहीं रहेंगे। They will have everything in life. उनके पास जिंदगी में सब कुछ होगा। The Lord will perfect everything concerning you. उनके विषय आपके विषय में खुदावन सारी बातों को पूरा करेगा। My father will always say this. मेरे पिता हर समय मुझसे ये बात कहा करते थे। Before we got married, इससे पहले जब मेरी शादी हुई, his friends and his relatives would ask him, "How will you get your daughter married?" और वो उनके मित्र, उनके लोग कहते थे, रिश्तेदार, कैसे तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहोगे? How are you going to manage the crowd? तुम भीड़ को कैसे संभालोगे? And my father would laugh at them and और, say. और मेरे पिता उनके पर में हंस के यूं कहा करते थे. My Lord will perfect everything concerning me. मेरा खुदावन सारी बातों को पूरा सही रीति से करेगा उनके विषय में. He would be so cool. वो बिल्कुल बड़े शांत रहा करते थे. He will never even have any expression in his face. उनके चेहरे में कभी भी कोई ऐसा अभाव नहीं दिखा। He'll be all the time saying, "My Lord will perfect everything concerning me." और वो ये कहते थे कि मेरा खुदाबंद इस विषय पे सारी बातों को पूरा करेगा। And exactly according to his faith. और उसके ईमान के हिसाब से। Things happened wonderfully. और अद्भुत रीति से मेरी शादी हुई, सारे इंतजाम हुए। The Lord performed everything for him. और उनके लिए खुदाबंद ने सारी बातों को किया। We got married. हमारी शादी हो गई। Nobody could accuse a finger against us. कोई भी हमारे विषय में उंगली उठा नहीं सकता था। People loved us. लोगों ने हमें प्यार किया। They blessed us. उन्होंने हमें आशीष दी। And today we are a blessing to millions. और आज हम करोड़ों के लिए एक आशीष का कारण हैं। Dear friends. मेरे प्रिय मित्रों। Today you should also say this. और आज भी आपको यही बात कहना चाहिए। Whatever may would have happened in your life. हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में यदि कोई भी बात हुई होगी। Just say this. सिर्फ इस बात को कह दीजिए। My God will supply all my needs. मेरे खुदावन मेरी सारी ज़रूरतों को वो उपाय करेगा। My God will perfect everything in life. मेरे ज़िंदगी में मेरा खुदा सब चीजों को बिल्कुल सही करेगा। The Lord will honor your faith. खुदावन आपके ईमान को इज्जत देगा। Now we are going to listen to a testimony. हमें एक गवाही को इस वक्त सुनेंगे। The Lord blessed
dear sister Rita Gauram. और Rita Gauram बोल के हैं खुदाबंद ने उसको कैसी बरकत दी, इस गवाही को हम सुनेंगे। मेरा नाम रीता गुरुंग है, मैं लखनऊ यूपी से हूँ। 3 जून 1991 में मेरा विवाह मिस्टर प्रेम प्रकाश गुरंग के साथ हुआ था। मेरा नाम प्रेम प्रकाश गुरंग है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रधान परिचालक पद पर तैनात हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ट्रेन करते थे और इतना प्रेयर करने के बाद भी उनके अंदर मतलब तब्दीली नहीं थी। प्रार्थना में शामिल होता था, जाने से पहले प्रार्थना कर लेता था, लेकिन मेरी पीने की आदत, शराब पीने की आदत नहीं छूटी। मैं बहुत ज़्यादा पीता था। मेरे हस्बैंड की ड्रिंक के वजह से थोड़ा पेट में प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने भी मतलब बोला कि इनकी बहुत सीरियस हालत है और इनको एडमिट कराया गया। उस बीच बहुत प्रार्थना की गई हमारे लिए। उसी दिन सिस्टर इवेंजेलिन का भी प्रेयर आया था। बहन इवेंजेलिन प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने उनके द्वारा भविष्यवाणी की, बहन के द्वारा, कि अस्पताल में कोई एडमिट है और वो आज डिस्चार्ज होने वाला है। टच देम लॉर्ड, उनको छू ले प्रभु। लॉर्ड दे मे बी इन द हॉस्पिटल्स, हो सकता है वे अस्पताल में होंगे। लॉर्ड सिक इन देयर बेड्स, प्रभु उनके बिस्तरे पर वो बीमार होंगे। लॉर्ड लेट देम राइज अप एंड वॉक इन जीसस नेम, होने दे प्रभु को वो उठकर चले फिरे यीशु के नाम में। एवरी वन ऑफ देम, इनमें से हर एक, Let them be healed. वो चंगे हो जाएं। और मैं बहन का धन्यवाद करना चाहती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसी दिन वो गवाही मेरे लिए बहुत आश्चर्यचकित तरीके से प्रकट हुई और मेरे हस्बैंड को वहाँ से अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। वो चंगे किया, वो आशीष इस तरह मिली मेरे जीवन में कि उसके बाद आज तक मुझे कभी ये इच्छा नहीं हुई कि मैं शराब को पीऊं या देखूं उसकी तरफ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है कि मेरे हस्बैंड मौत के मुंह से वापस आए हैं। ये उनका दूसरा जन्म है और आज इतने साल हो गए हैं, 2009 से 2012 का इतना गैप हो गया, मेरे हस्बैंड ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। परमेश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद। और मैं जीसस कॉल मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमेशा हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए इन लोगों ने प्रार्थना किया। हाउ मच द सिस्टर रीटा सफर्ड, ये बहन रीता कितना दुख उठाई। हाउ मच शुड हैव लॉन्ग्ड फॉर हर हस्बैंड टू कम टू द चर्च, वो कितना चाहती रही होगी कि वो कलीसिया में आए। एंड टू लव गॉड, और खुदावन को प्रेम करे। द लॉर्ड ऑनर्ड हर फेथ, परमेश्वर ने उसके विश्वास को, उनको इज्जत दी। I prayed only a small prayer. मैंने एक छोटी सी बस दुआ की थी। But then according to her faith, लेकिन उसके ईमान के हिसाब से, the Lord touched her husband. खुदावन ने उनके शौहर को छुआ। He was not only healed from his disease. वो अपनी बीमारी से सिर्फ शिफा को नहीं पाया। But then the Lord delivered him out of his drinking habit. लेकिन खुदावन ने उसको पीने की इस पाप से बिल्कुल आजाद किया। Today he hates those who drinks. और आज उनको वो घृणा करता है जो पीता है। Such was the transformation. ऐसी जिंदगी में एक परिवर्तन आया। Will he not do that for your family? क्या वो आपके परिवार के लिए शाम के समय नहीं करेगा? Today expect a miracle to happen in your family. और आज आप अपेक्षा कीजिए कि आपके परिवार में ये चमत्कार हो। Wherever they are, जहाँ कहीं भी वे लोग हो, keep them in your prayers. अपनी प्रार्थना में, अपनी दुआ में उनको याद कीजिए। Even now miracles are happening. और अभी भी इस समय भी खुदावन काम कर रहा है। The Lord who can give us everything, खुदावन जो सब कुछ दे सकता है, can transform your family members also. आपके परिवार के सदस्यों की जिंदगी को भी बदल सकता है। And secondly, our Lord says, और दूसरी बात खुदावन यूं कहते हैं, My dear children, मेरे प्रिय संतानों, as the clay is in the potter's hand, जैसे एक मिट्टी कुम्हार के हाथ में होता है, you are in my hands, तुम मेरे हाथ में हो। In Jeremiah 18 and 6 the Bible says, और यर्मिया नबी की पुस्तक 18 उसका 6 में खुदावन यूं कहते हैं, My dear children, you are in my hands, मेरे बच्चों तुम मेरे हाथ में हो। And our Lord has all the power to give us everything in life, और हमारे खुदावन के पास उसके हाथ में सारी बातें हैं कि जो चीज हमें जिंदगी में चाहिए वो हमें देगा। He can mold us into a very good person, और वो हमें बनाएगा अपने खूबसूरती में, a loving person, एक प्रेमी, a holy person, एक पवित्र बनाएगा।
for us to do a good work. ताकि हम अच्छे काम को कर सकें. In Romans 9:21, the Bible says. और भी आठ उसका 29 में यूँ लिखा हुआ है. Does not the potter have power over the clay? क्या कुमार के हाथ में ताकत नहीं उन मिट्टी के लिए? Our loving Lord has all the power over us, dear friends. हमारे खुदावन के पास सारी ताकतें हैं. Today, let us give everything in God's hand. आइए आज हम सब कुछ खुदावन के हाथ में सौंप दें. Give us in God's hand. अपने आप को खुदावन के हाथ में सौंप दें. He is able to give us all the glorious riches. और वो हर एक महिमामंद संपत्ति को देना चाहता है. In Romans 9:23, रोमी 9 उसका 23 में यूँ लिखा है. The Bible says He will make known the riches of His glory on the vessels of mercy. और वो अपने दया के पात्र में अपनी सारी महिमा को दिखाएगा. He will make known the riches of His glory. अपनी महिमा के हर एक प्रकार के और हर एक संपत्ति को वो दिखाएगा. What are the riches of His glory? खुदावन की महिमा का संपत्ति क्या है? It is Christ in us, the hope of glory. महिमा यीशु मसीह जो हमारे लिए एक आशा है. In Colossians 1:27 we see that. कुलसी 1 उसका 27 में यूँ लिखा हुआ है. Christ living in us is the hope of glory. मसीह हमारे अंदर में रहता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है. He makes us into a glorious vessel. वो हमें एक 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 बिल्कुल महिमामंद पात्र बना देता है. A vessel of gold. और एक ऐसा पात्र बनाता है जो सोने का है. A vessel of honor. और एक ऐसा बर्तन बनाता है जो इज्जत का हो. In the same place where you have gone through shame. और उसी जगह पे जहाँ पे आप शर्मिंदगी से होके गुजरे हैं. The Lord will give you honor and praise. खुदावन आपको वहीं पे इज्जत देगा, आपको उठा के खड़ा करेगा. Today the Lord will transform you. आज आपकी जिंदगी को खुदावन बदल सकता है. Into a vessel of glory. एक महिमामंद बर्तन बना सकता है. Glorious riches. एक महिमामंद एक संपत्ति को दे सकता है. Dear friends. प्रिय मित्रों. Our Lord has given His own Son to us. अपने खुदावन ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया. He delivered Him to us. उसने हमें सुपुर्द कर दिया. Will He not give us all things for us to enjoy? क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा कि हम इसका आनंद ले सकें? Romans 8:32 says that. रोमी 8 उसका 38 यूँ कहता है. In 2 Timothy 6:17 we can see that. दूसरा तिमोथी 6 उसका 13 में यूँ लिखा हुआ है. In this world also we can enjoy everything in life. इस दुनिया में भी हम सारे जिंदगी के हर एक आशीषों को बरकत को हम ले सकते हैं. He can bless us spiritually. वो आत्मिक रूहानी तौर पे हमें आशीष देगा. He can bless us materially. और हर एक प्रकार के संसारिक बातों से मालामाल करेगा. Shall we all surrender our lives to God? आइए अपनी जिंदगी खुदावन के हाथ में सौंप दें. Saying, Lord, come into my heart. बोलिए खुदावन मेरी जिंदगी में आ. Come into my heart. मेरे दिल में आ खुदावन. Today remember me Lord. आज मुझे याद कर. And bless me और Lord. मुझे आशीष दे, बरकत दे. Come Lord. आइए खुदावन. And fill me Lord. और मुझे भर दीजिए. My dear young friends. मेरे प्रिय जवानों. Cry out for Jesus. आप यीशु के लिए रोइए. Nothing else in this world can help you. कोई दुनिया में आपकी सहायता नहीं कर सकता. Your friends cannot help you. आपके मित्र आपकी सहायता नहीं कर सकते. Only Jesus. खुदावन यीशु सिर्फ कर सकता. Only God. सिर्फ परमेश्वर कर सकता. Thank you Lord. धन्यवाद बोलिए. You are coming into their hearts. ओ परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में आ रहे हैं. Shall we all praise God? आइए सब प्रभु की स्तुति करें. Forget about your past. अपने बीते कल के बारे में भूल जाइए. Wipe away your tears. वो आपके आंसुओं को पोंछेगा. And say, Lord, fill me with your Holy Spirit. बोलिए प्रभु खुदावन अपने रूह से मुझे भर दे. If you come into my life, यदि तू मेरी जिंदगी में आएगा, I can enjoy everything in life, मैं जीवन के हर एक बात का आनंद ले सकता हूँ मैं. Thank you, Jesus. Jesus. We rejoice in you, हम प्रभु आप में आनंदित होते हैं. Hallelujah. 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 The heavy anointing is coming upon you. ओ आपके ऊपर में भारी अभिषेक का रहा है. Your cup is being filled by God. आपका कटोरा उमड़ रहा है. You are becoming a vessel of honor. आप इज्जत के बर्तन बन रहे हैं. You are becoming a vessel of gold.
gold. आप एक सोने के बर्तन बन रहे हैं. To do good for others. ताकि दूसरों के लिए आप अच्छा करें. You are not going to die. तो आप मरेंगे नहीं. You will live. आप जीवित रहेंगे. You will live. आप जिएंगे. Heal them, Lord Jesus. प्रभु जी उनको शिफा दीजिए. Touch them and heal them. उनको छू के चंगाई दीजिए. Right now. इसी समय. Let every infection come out. हर एक बीमारियां निकल आए. Let every alcoholic spirit come out. हर एक शराब पीने की रूह निकल आए. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Let them be transformed. उनकी जिंदगी बदल जाए. Wherever they are. जहां कहीं भी वो हैं. Lord heal them, Master. प्रभु आप उनको शिफा दीजिए. Touch them and heal them. उनको स्पर्श करिए. Let them forget about the alcoholic habits. वो शराब के आदि होने के बारे में भूल जाएं. Let every smoking spirit come out. हर एक सिगरेट पीने की आत्माएं निकल आए. Let every lying spirit come out. हर एक झूठी आत्मा निकल आए. Let every spirit that gives sin come out. हर एक वो आत्मा जो गुनाह देता है निकल आए. In Jesus name. यीशु के नाम में. Thank you Lord. धन्यवाद खुदाबंद. Thank you Lord. धन्यवाद खुदाबंद. No more temptation. अब कोई परीक्षा नहीं. No more failure. और कोई असफलता नहीं. The Lord is helping you right now. खुदाबंद आपकी सहायता कर रहा है. You are carrying Jesus in your heart. आप अपने दिल में यीशु को लेके चल रहे हैं. Hallelujah. 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 The blessings are following you, dear friends. हर एक शीशे आपके पर आ रही हैं. थैंक यू फादर. धन्यवाद पिता. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद प्रभु.